नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत आनंद शर्मा से। हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल में जो कमेटी की जिम्मेदारी दी थी उससे इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद कई बड़े खुलासे वो करते नजर आ रहे। उनका ये कहना है कि हिमाचल में जो भी बड़ी बैठक कांग्रेस की तरफ से बुलाई जाती थी उसमें उनको बुलाया नहीं जाता था, उन्हें शामिल नहीं किया जाता था। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दरकिनार करना शुरू कर दिया था। अहम बैठकों में उनका हिस्सा ना लेना, अहम बैठकों से उनको दूर रखना, इससे आनंद शर्मा बहुत नाराज थे। देखिए, गुलाम नबी आजाद ने भी अभी हाल ही में एक पद का ऑफर ठुकरा दिया जिसे कांग्रेस दे रही थी। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी लड़ाइयां चल रही है ये लड़ाइयां इन्हें आने वाले समय में नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस अगर इसी तरह अंदरूनी लड़ाई से जूझती रही, कांग्रेस अगर इसी तरह की अंदरूनी लड़ाई लड़ती रही तो शायद इसका बड़ा नुकसान इन्हें जरूर आने वाले समय में उठाना पड़ेगा। दरअसल मौजूदा समय के अंदर जो सियासी हालात बने हुए हैं अभी कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहे हैं कि भाई मौजूदा समय के हालात स्थिति का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ खड़े होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी होती है, आगे बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है इसका जरूर फर्क पड़ता नजर आएगा, जाहिर सी बात है इसका जरूर विस्तार होता नजर आएगा। तो मौजूदा समय के अंदर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जितना ज्यादा हो बेहतर तरीके से अगर आगे बढ़ती है तो शायद इसका ज्यादा फर्क पड़ता नजर आएगा। और गुलाम नबी आजाद के बाद आनंद शर्मा की नाराजगी बहुत कुछ कह रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में बड़ी चीजों को ध्यान में रख के अभी से रणनीति बनानी पड़ेगी, अभी से चुनाव पर ध्यान देना पड़ेगा। और अभी से चुनाव पर ध्यान नहीं देगी तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए नमस्कार।